हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। सेकेंड चैप्टर ये क्लास 8th साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इसमें हम वैक्सीन टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करो और हमारी वीडियो को देखो यार। ठीक है, अब चलते हैं हम इस पार्ट की तरफ। पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो रेड बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलो। ये एक लड़की है, वो पूछ रही है कि व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, बच्चों को या नवजात शिशुओं को वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, टीकाकरण उनका क्यों कराया जाता है। ठीक है, अब देखो क्यों कराया जाता है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब, अगर कोई बीमारी पैदा करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब हमारे शरीर में घुसती है, इंटर करती है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, हमारा जो शरीर है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसी को एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी जैसे ही प्रोड्यूस होता है, बीमारियां बाहर चली जाती हैं। अब द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, बॉडी को हमेशा याद रहता है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब, कि ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे लड़ाई करे, अगर वो दोबारा भी अगर हमारे शरीर में एंटर करती हैं तो वो कैसे लड़े और उन्हें कैसे भगाए, ये एंटीबॉडीज का काम होता है। सो इफ डेड, और अगर कोई मरा हुआ या कोई कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी अगर हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर आ जाता है, तो हमारा शरीर जो होता है वो फाइट करता है, लड़ाई करता है और उन्हें मार देता है। कैसे मारता है? बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, जो उस पर्टिकुलर बीमारी को भगाने का एंटीबॉडी होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है और बीमारियां चली जाती हैं। ठीक है, द एंटी, और इसी के लिए कहा जाता है ना, खाया पिया करो, हेल्दी रहो तो बीमारियां होंगी नहीं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहती हैं और क्या करती हैं, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और हम बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और यही तरीका होता है कि कैसे वैक्सीन काम करता है। वैक्सीन कैसे काम करता है, जैसे हमने देखा कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर आई, हमने वैक्सीन लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भगा दिया, बाहर चली गई। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कुछ बीमारियां जैसे कि कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं पूरे शरीर पर, हेपेटाइटिस, ये सब टीकाकरण की वजह से रोकी जा सकती हैं। अगर हमने सही वैक्सीनेशन लिया तो ये सारी बीमारी हमें नहीं होंगी। एडवर्ड जेनर, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोजा था वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी 1798 में। कब खोजी थी? 1798 में, इन योर चाइल्डहुड, तुमने अपने बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस, तुम्हें इंजेक्शन दिया जाता होगा ताकि तुम्हें, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ताकि तुम्हें बचाया जा सके कुछ बीमारियों से। जैसे हमें पहले दिया जाता था ना, पोलियो की ड्रॉप दी जाती थी, दो बूंद जिंदगी की। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस, क्या तुम्हें उन बीमारियों का लिस्ट तैयार कर सकते हो क्या, जो तुम्हें बचपन में, जिससे बचाने के लिए तुम्हें दवाइयाँ दी जाती थी। अब तुम अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बता सकते हैं कि किसके लिए हमने टीका लगवाया था तुम्हें, किसके लिए हमने इंजेक्शन लगवाया था, उन बीमारियों की लिस्ट तैयार करो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेस, बच्चों को ना इन बीमारियों से बचाने की बहुत ज़रूरत है। अब भी नेसेसरी वैक्सीन्स, जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं, वो हमारे नियर बाई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, मतलब हैं, वहाँ पर आप जाके उन दवाइयों को ले सकते हो। You might have seen the advertisement on TV, तुमने शायद टीवी पे प्रचार देखा होगा या तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चों को पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर पोलियो दिया जा रहा है और उन्हें बीमारियों से बचाया जा रहा है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जो पोलियो का बूंद, जो दो बूंद जिंदगी की दी जाती है ना पोलियो की, वो किस लिए होती है, ताकि बच्चों को वैक्सीन दिया जा सके, उन्हें बीमारियों से लड़ने की हम क्षमता दे सकें। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स बहुत साल पहले बहुत तेज चला था, बहुत बच्चे से बीमार होते थे, सबको स्मॉल पॉक्स हो जाता था। ठीक है, अब इसके लिए पूरे दुनिया भर में कैंपेन चलाया गया और दुनिया के कई देशों से तो ये एकदम जा चुका है, अब किसी को वहां पर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। दीज डेज
आज के दिनों में क्या होता है, वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, वैक्सीन्स को बहुत भारी मात्रा में बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, ताकि इंसानों को और एनिमल्स को कुछ बीमारियों से बचाया जा सके। समझ रहे हो ना, लोहे लोहा को काटता है, लोहा लोहे को काटता है ना, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मदद से दवा बनाते हैं। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, और जो ब्लू ग्रीन अलगी का मतलब होता है काई, जो मिट्टी पे जम जाती है ना बरसात के मौसम में हरी हरी, उसी को ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। अब ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों के अंदर क्षमता है कि ये नाइट्रोजन की मात्रा को एटमॉस्फियर से लेके मिट्टी में डाल सकें विथ नाइट्रोजन, और मिट्टी को एकदम भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन दे सकें और उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन को बढ़ा सकें। उपजाऊपन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे होने लगते हैं, फसलें अच्छी होने लगती हैं। दीज माइक्रोब्स आर, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, जो जो फसल की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। जैसे डांस करने वाले को डांसर, वैसे ही जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाए उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। समझ गए ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लेना। अब ये है ब्लू ग्रीन अलगी, ये थोड़ा सा जूम आउट करके है येलो वाला, और ये जूम करके है, कैसे छोटे छोटे ब्लू ग्रीन अलगी दिख रहे हैं, देख रहे होगे आप, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे वातावरण को शुद्ध करती हैं। अब दो लड़के हैं यहाँ पर, बूझो और पहली, लड़की और लड़का है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि जो उनके स्कूल का माली है मेकिंग मैन्योर, वो खाद बना रहा है। अपने दोस्तों की मदद से उसने क्या किया, दे कलेक्टेड वेस्टेज, उन्होंने जो सूखे पौधे थे और जो सब्जियों के छिलके थे, सड़े हुए जो सब्जियाँ थे, जो सड़े हुए फल थे, उनके जो छिलके थे, उनको अपने अगल बगल के घरों से और गार्डन से इकट्ठा किया। दे पुट देम इन अ पिट, उन्होंने इन सारे कचड़ों को एक एक गड्ढे में डाल दिया, मीट, और उसे ढक दिया, मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, उस गड्ढे में डाला, जिस गड्ढे में जैसे होता है ना जितना भी कचड़ा हो सब उसी गड्ढे में डाल दिया, तो उस गड्ढे में डाल के उसने उसे ढक दिया। उसके बाद क्या किया, इट डीकम्पोज्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद ये जो सड़ जाता है, ये सारी चीजें सड़ जाती हैं और खाद बन जाती हैं। बूझो एंड पहली वॉन्टेड टू नो, बूझो और पहली जानना चाहते थे कि अरे ये कैसे हो गया, हमने तो केले का छिलका डाला था, वो खाद बन के निकल गया, ऐसे कैसे हुआ। अब एक्टिविटी इसके लिए आपको करना पड़ेगा, दो बर्तन लीजिए, टू पॉट, एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, और दोनों बर्तनों को मिट्टी से आधा आधा भर दीजिए। एक को नाम दे दीजिए कि भाई तुम ए हो, एक को नाम दे दो भाई तुम बी हो। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए, और एक बर्तन में तुम क्या करो, जितने भी सूखे पत्तियां हैं, पेड़ हैं, उस डब्बे में डाल दो, उस बर्तन में डाल दो, और दूसरे बर्तन जिसको तुमने बी नाम दिया है उसमें क्या डाल दो, तुम बॉटल डाल दो प्लास्टिक की, प्लास्टिक का खिलौना डाल दो जो टूटा फूटा हो। अब देखो क्या होता है, पुट द पॉट्स असाइड, इन दोनों बर्तनों को बगल में रख दो और तीन चार हफ्ते ऐसे ही छोड़ दो ढक के, देखो क्या होगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ, क्या तुमने कुछ अलग देखा क्या वहाँ पे, दोनों दोनों बर्तनों में तुमने कुछ अलग अलग देखा क्या, क्या देखा तुमने। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए, जिस बर्तन में हमने अपने पौधों का जो वेस्ट था, छिलका था, वो सब डाला था, और एक में हमने प्लास्टिक डाला था, क्या हुआ, जो प्लांट वेस्ट था ना वो खाद बन गया, उस पर क्या किया, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको सड़ा दिया और वो खाद बन गया। द न्यूट्रिएंट्स, अब जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुई उनकी वजह से, उन प्लांट वेस्ट की वजह से, कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब ये जो अब दोबारा जो वहाँ पर पौधा लगाया जाएगा, उस पौधे पे खाद जब डाला जाएगा तो खाद के जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे ले लेंगे। डिड यू नोटिस दैट इन अ पॉट बी, और तुमने जब अगर पॉट बी को देखा होगा जिसमें तुमने पॉलिथीन का बैग डाला था, प्लास्टिक डाली थी, सीसा डाला था, इन सब में क्या हुआ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स इनको सड़ा नहीं सकते हैं और इन्हें खाद में नहीं बना सकते हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, तुमने अक्सर देखा होगा
ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो आसानी से सड़ के खाद बन जाते हैं उन्हें को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तुमने कई बार सूखे पौधों को और कई बार मरे हुए जानवरों को देखा होगा कि वो ऐसे ही ग्राउंड पे पड़े हुए फेंके गए हैं। आपने कभी पटरियों के किनारे देखा होगा तो जानवर फेंके रहते हैं मरे मरे, ठीक है, तो आपने ऐसा देखा होगा। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर, और अगर तुम उन्हें कुछ दिन बाद देखोगे ना, तुम देखोगे वहां पे तो वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो क्या करती हैं, सूखे पौधों को और मरे हुए जानवरों को खाद बना देती हैं, उनको सिंपल कर देती हैं, एकदम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती हैं, मिट्टी में मिला देती हैं। दीज सबस्टेंसेज आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स, और ये जो सबस्टेंसेज होते हैं वो बाकी पौधों के मतलब कि काम आ जाते हैं। अगर ये खाद उन पौधों में डाला गया तो वो एकदम तेजी से उगने लगते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सबस्टेंस, और इसी के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रयोग होता है नुकसानदायक और जो बदबूदार चीजें हैं उनको साफ सफाई करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आगे हैं, मतलब बहुत जरूरी हैं। अब हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। हमने देखा अभी तक कि जो जितने भी कीड़े होते हैं वो दवाइयों के लिए यूज़ होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब कौन से नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये देखते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल सॉरी हार्मफुल इन मेनी वेज। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदायक भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीजेस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर बीमारी पैदा करती हैं, प्लांट्स में बीमारी पैदा करती हैं और जानवरों में भी बीमारी पैदा करती हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, जो हमें बीमार करती हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। जो इंसान को बीमार करती हैं, पौधों को बीमार करती हैं, जानवरों को बीमार करती हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ पैथोजेंस और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक टाइप है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बोलेंगे। हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब कुछ खाना को ख़राब कर देते हैं, यहाँ तक कि कपड़ों को भी वो ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या नुकसानदायक गतिविधियाँ हैं, इनसे क्या क्या नुकसान है। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, सबसे पहला तो ये है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इंसानों में कैसे बीमारी फैलती है। जब पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करता है, कैसे इंटर करता है, थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम जो हवा लेते हैं ना, जो गंदे हवा को हम स्मेल कर लेते हैं तो उससे हमारे अंदर पैथोजन आ जाती हैं, गंदे पानी पीने से और गंदा खाना खाने से। जैसे गंदा खाना मतलब बिना ढका हुआ खाना, अगर उसको तुमने खा लिया तो पैथोजन इंटर कर गए और तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये एक इन्फेक्टेड इंसान जिसके अंदर पैथोजेंस ऑलरेडी है, वो अगर तुम्हें टच भी करता है ना, तो ये तुम्हारे अंदर भी बीमारियां हो जाएंगी। और दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। कुछ जानवर भी पैथोजेंस को लेके चलते हैं और इंसानों को वो बीमार कर देते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसे बीमार जो बीमार है, अगर उस इंसान से दूसरे इंसान तक कोई बीमारी फैलती है तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, आसानी से फैलने वाली बीमारियां। एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा। अब जैसे कि कॉलरा हो गया हमारा, हमारी जो सर्दी खांसी होती है वो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, माता जी निकल गई जैसे हमें, टीबी हो गया, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। अगर तुमने किसी को टच कर लिया, किसी के कॉन्टैक्ट में हो अगर तुम, तो उसे भी हो जाएगा। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर कोई इंसान जिसे सर्दी जुखाम है वो अगर छींकता है तो उसके मुंह से जो फाइन जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो छींक की जो बूंदें निकलती हैं ना, जो नमी भरी होती हैं जिसमें पानी जैसा निकलता है ना हमारे मुंह से, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, ये हजारों वायरस को अपने मुंह से निकालती हैं। क्योंकि वो आदमी खुद बीमार है, उसने छींका और उसमें से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, और ये जो हवा में वायरस गए वो सांस लेते समय किसी स्वस्थ इंसान के शरीर में इंटर कर जाएगा। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, अब ये है बूझो, बूझो बोल रहा है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलो अब तो हवा पानी से कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएंगी तो इसे रोकेंगे
कैसे? पहली क्या बोलती है? पहली कहती है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ, हमें एक दस्ती, एक रुमाल अपने नाक पर और मुंह पे छींकते समय ढक लेना चाहिए ताकि वो दूसरों तक ना फैले। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और सबसे अच्छा होगा कि जो बीमार है इंसान, जिसे सर्दी जुकाम हुआ है, उससे दूर रहो। ठीक है, सर्दी जुकाम की ही बात नहीं है, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कॉम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। आगे देखते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे भी कीटाणु होते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कैरियर्स का काम करते हैं, मतलब बीमारियों को ढोने का काम करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जानवर से इंसानों पर। ठीक है, कॉजिंग माइक्रोब्स, हाउस फ्लाई जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, ये ऐसा ही एक कैरियर है। अब मक्खियों से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है, कई बीमारियाँ होती हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, अब ये जो मक्खियाँ होती हैं वो कचड़ों पर बैठती हैं, एनिमल वेस्ट पर बैठती हैं, पैथोजन चिपक जाते हैं उनके शरीर पर। ठीक है, और व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब यही ये जो मक्खियाँ होती हैं अगर ये किसी खाने पर बैठ जाएं, पानी पर बैठ जाएं, तो वो क्या कर लेती हैं? ट्रांसफ़र कर देती हैं पैथोजन्स को पानी में और खाने में। हु एवर ईट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड, और कोई भी वो खाना खाता है तो वो बीमार बढ़ जाएगा। सो इट इज़ एडवर्टीजेबल, और इसलिए एडवाइसेबल है कि मतलब सलाह दी जाती है कि तुम खाना को हमेशा ढक के रखो, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, बिना ढके हुए खाना को मत खाओ। अब अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर, अब देखो और भी कोई कीटाणु है, और भी इंसेक्ट्स हैं जो बीमारियों को कैरी करती हैं, जैसे फीमेल एनोफिलीज, तुमने नाम सुना होगा, ये एक ऐसा मच्छर है जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज से हमें वो होता है, मलेरिया होता है, जो कि पैरासाइट कैरी करती हैं मलेरिया का, मलेरिया कॉजिंग डिजीज का वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को कैरी करती हैं, और अगर इंसान के अंदर वो चली जाए तो बीमार कर देती हैं, मलेरिया पैदा कर देती हैं। फीमेल एड्स, कुछ और भी माइक्रो मॉस्किटोज होते हैं जैसे एड्स हो गए, ठीक है, ये कैरियर का काम करती हैं डेंगू, एड्स की वजह से डेंगू होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, अब हम मलेरिया और डेंगू को कैसे बचेंगे, हम कैसे, हमें ना हो, कैसे ये मच्छर हमारे अंदर ना बैठे और हमें ना काटे जिसकी वजह से हम बीमार ना पड़े। चलो हम देखते हैं, अब ये बूझो पहली बोल रही है कि व्हाई डज द टीचर, हमारे टीचर ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने अगल बगल पानी को इकट्ठा ना होने दो। अब हम पढ़ते हैं क्यों कहते हैं ऐसा। ऑल मॉस्किटोज, जितने भी मॉस्किटोज होते हैं, जितने भी मच्छर होते हैं ना, वो पानी में ही पनपते हैं, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, और इसलिए किसी को भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ना कूलर में पानी इकट्ठा करो, अगल बगल अगर कोई टायर है तो टायर में पानी इकट्ठा ना होने दो, और जो हमारा गमला होता है गमले में पानी इकट्ठा ना होने दो। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आप को, अपने अगल बगल के सराउंडिंग को साफ सुथरा करके और सुखा के ना, हम मॉस्किटोज को पनपने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स, अब लिस्ट बनाइए उन सावधानियों का जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पनपे, मतलब पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, ये सब आप लिस्ट बनाइए। अब देखिए आगे क्या होता है, अब इसमें इसने एक टेबल दिया है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एट्थ के हाफ ईयरली में ही पूछेगा, फाइनल में पूछेगा। अब इसमें क्या पूछ देगा आपको, कहेगा कि कौन सी ह्यूमन डिजीज, कौन सी बीमारियां कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, कैसे, मतलब कि कैसे जाती हैं, कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, और इसको हम रोके कैसे। तो जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब को कैसे रोकते हैं, क्या है देखते हैं हम। ट्यूबरक्लोसिस टीबी हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है, हवा में। मीसल्स हमारा वायरस की वजह से होता है, वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर है। चिकन पॉक्स हमारा वायरस की वजह से होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, हवा, कॉन्टैक्ट, मतलब अगर हम किसी को टच कर दें। पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से होता है, और हवा और पानी से हमारे अंदर ये आ सकता है पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इनको रोके कैसे, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को ना एकदम अलग रखो, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे, और उसको तुम टच ना करने जाओ, खुद उससे दूर रहो। अब और उसको क्या किया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन भी दिया जाना चाहिए उचित एज में, मतलब लेट होने पर अगर उसे वैक्सीनेशन दिया गया ना तो उसमें वो बीमारियां इंटर कर जाएंगी, लेकिन अगर हमने पहले ही दे दिया जैसे बच्चों को दिया जाता है तो ये सब बीमारियां उन्हें नहीं होंगी। कॉलरा टाइफाइड के बारे में देखते हैं, कॉलरा
हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है और गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से होता है। टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है, गंदे पानी पी लेने की वजह से होता है। अब इसको हम कैसे रोकेंगे? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे रहो भाई और अगल बगल की सराउंडिंग को भी साफ सुथरा बनाओ। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, पूरा पका हुआ खाना खाओ और गर्म पानी को पियो। वैक्सीनेशन भी करो, अपनी दवाई भी लो तुम। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एक पीली बुखार करके हम नाम बोलते हैं, वही है ये, काफ़ी मतलब जानलेवा डिजीज़ है। अब ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है और गंदे पानी पीने की वजह से होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अब थोड़ा तुम क्या करो, गर्म करके पानी पियो और दवाइयाँ लो, हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। मलेरिया, मलेरिया हम जानते हैं मलेरिया बुखार होता है, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है जो कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और कौन किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होते हैं वो प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं और हमारे इंसान के अंदर डाल देते हैं, जिससे मलेरिया हो जाता है। अब इसके लिए तुम क्या करो, तुम मच्छरदानी का यूज़ करो, रिपेलेंट्स, मतलब जैसे ओडोमॉस, ओडोमॉस आता है ना शरीर पे लगा लो तो मच्छर नहीं काटते, वैसा कुछ करो तुम। चाहे तुम कीटनाशक दवाई छिड़क सकते हो अपने अगल बगल और पनपने से रोक सकते हो, ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों को पनपने से रोक सकते हो, बाय नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पनपेगा। अब आगे चलते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 2.1। इस टेबल पे हमने कुछ बीमारियां और उनको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है और कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं और उनको रोके कैसे, ये सब हमने इस टेबल में बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा 3 पेज और रह गया है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देखिए और इन्जॉय करिए।